नमस्ते एवरीवन, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई जी वी अमित कुमार शर्मा, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, सेशन लेटर राइटिंग, कंप्लेनिंग लेटर राइटिंग। इट्स ओके, अपन लोग पहले से ही लेटर राइटिंग को पढ़ रहे थे। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से लेटर राइटिंग लिखते हैं। आज अपन एक कंप्लेनिंग लेटर राइटिंग करेंगे, तो वो किस तरीके से होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। यू आर राधा जैन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट अनइवन रोड्स एंड ड्रेन सिस्टम इन योर लोकेलिटी। इज दैट क्लियर? यू आर राधा जैन, राइट ए लेटर टू योर एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द अनइवन रोड्स एंड ड्रेन सिस्टम इन योर लोकेलिटी। देन अगर अपन इसका मैटर आपको बताइए, ऊपर आपको एड्रेस मेंशन करना है, फिर आप लिखोगे द एडिटर, जैसे लिख दिया आपने दैनिक भास्कर जयपुर, सर अनइवन रोड्स एंड ड्रेन सिस्टम इन गांधी नगर जयपुर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ थ्रू योर न्यूज़पेपर द अटेंशन ऑफ कंसर्नेड अथॉरिटीज़ टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड द ड्रेन्स इन गांधी नगर। सिविक्स अथॉरिटीज सीम्स टू बी टोटलिटी इनसेंसिटिव टू द कंप्लेंट्स सेंट टू दैम बाई एलिगेंटेड रेजिडेंट्स। द रोड्स आर इन ए बैड कंडीशंस, देर आर पोर्ट होल्स इन दैम दैट इन्वाइट एक्सीडेंट्स, ट्रेन आर मोस्टली चोक्ड एंड द डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड्स कॉजिंग डेट्स इनकन्वेंसिंग टू द पीपल एंड डैमेजिंग द रोड्स फर्दर। वी एक्सपेक्ट यू काइंडली टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर एंड ऑब्लिक, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली राधा जैन। इस तरीके से हम स्पीक कर सकते हैं, कोई भी अपन कंप्लेनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको और भी कोई कंप्लेनिंग लेटर देखना है, तो मैं आपको और भी बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे कंप्लेनिंग लेटर होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं, लेटर फॉर कंप्लेन, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस रिलेटेड फॉर, तो उन लेटर्स को हम कैसे लिखते हैं। ऊपर आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है, क्या लिखना होता है, और वो लिखना होता है आपको सेंडर एड्रेस, देन डेट, लेटर नंबर इफ एनी, देन रिसीवर एड्रेस, फिर आएगा सैल्यूशंस, फिर सब्जेक्ट, फिर कम्युनिकेशंस, फिर कर्टियस एंड, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर सेंडर सिग्नेचर, सेंडर्स नेम, सेंडर्स पोस्ट, अगर कोई एनी कोई भी पोस्ट है तो वो और एनक्लोजर उसमें लिफाफे में फिलअप भी कर सकते हो। वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कोई कंप्लेंट का है, कोई इंक्वायरीज का है, कोई रिक्वेस्ट का है, एप्लीकेशंस का है, तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। सेंडर्स एड्रेस, डेट, लेटर नंबर, इट्स ओके, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूशंस, द सब्जेक्ट्स एंड कम्युनिकेशंस, कर्टियस एंडिंग, सब्सक्रिप्शन, सेंडर्स, सिग्नेचर्स, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेंडर एड्रेस में आपको पता ही है पत्र लिखने वाला या अपना पता निम्न प्रकार लिखता है, दैट मान लीजिए प्रताप नगर सांगानेर। डेट में सेंडर एड्रेस डेट थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको लिखना होता है, जैसे 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च, वो भी आपको लिखना। लेटर नंबर इफ एनी, डेट के ठीक नीचे बिना कोई स्पेस छोड़े, ये बात आप ध्यान रखना, बिना कोई स्पेस छोड़े अपने को लेटर नंबर लिखना होता है। रिसीवर का एड्रेस नंबर नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर और वहाँ पर लिखना होता है, जैसे मान लीजिए द सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपको लिखना है। सैल्यूशंस में रिसीवर एड्रेस के नीचे ही, उसी के नीचे ही सैल्यूशंस आता है, सर मैम जो भी आपको अधिकारी को आपको लिखना है। सब्जेक्ट में एक लाइन का स्पेस छोड़ के और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट नीचे हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन के बाद उसका कर्टियस हमारा क्या होता है, एंडिंग होता है, वो एक लाइन छोड़ देते हैं। इसमें लिख देते हैं प्लेस टू इन टू मैटर एंड टू नीडफुल, मतलब जो भी मैटर अपन ने लिखा है। सब्सक्रिप्शन में कर्टियस एंडिंग में थोड़ा सा स्पेस में, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। एंड सेंडर सिग्नेचर्स और सेंडर्स नेम, सेंडर पोस्ट, मान लीजिए कोई आपने कोई पोस्ट किया हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं, और लिफाफे में अगर कुछ आपको एनवेलप में डाल के इनक्लोज करना है तो वो भी आप इनक्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपका जो सेशंस बना हुआ है 21 पे, वो यही बना हुआ है कि फॉर्मल इंक्वायरी लेटर्स, एडजस्टमेंट लेटर्स किस तरीके से राइट करते हैं। मैं आपको इसका तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अपन इसको राइट करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।